से एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन की सेना की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। दक्षिण यूक्रेन के अंदर रूस के कब्जे वाले हिस्से पर यूक्रेन ने बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के दो हथियार गोदामों पर अटैक किया है। इसके अलावा रूस के आर्मी बेस पर भी हमला हुआ है। रूस ने भी इन हमलों का पलटवार किया है। तो ज़ेलेंस्की के इन अचानक हमलों से रूस के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। क्राइमिया भी ज़ेलेंस्की के निशाने पर आ चुका है। मिसाइल और ड्रोन के साथ क्राइमिया ब्रिज पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। लेकिन रूस ने इस हमले पर बहुत चौंका देने वाला एक दावा किया। पुतिन ने जो कभी सोचा भी नहीं था अब वो हो रहा है। पुतिन ने यकीन भी नहीं किया था कि रूस की ही रणनीति को फॉलो करके ज़ेलेंस्की रूस की बाहें मरोड़ने का काम करने वाले हैं। लेकिन ऐसा ही हुआ है क्राइमिया के अंदर। ये तो गनीमत रही कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और जंग के मैदान में बहुत बड़ा खेल हो गया। यूक्रेन के इस हमले के दौरान ज़ेलेंस्की की एक मिसाइल की काफी चर्चा शुरू हो गई है। यूक्रेन की ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि दुनिया इसे मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दे रही है। मॉन्स्टर मिसाइल या दैत्य मिसाइल। आखिर क्यों रूस की ये मिसाइल इतनी खतरनाक मानी जाती है और क्या वजह है कि ज़ेलेंस्की ने एक साथ ही क्राइमिया के ब्रिज पर मिसाइलों से भी हमला किया और दर्जनों ड्रोन से भी हमला कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या रूस का एयर डिफेंस ये हमला नहीं झेल सका? क्या क्राइमिया का ब्रिज टूट गया और रूस से क्राइमिया का कनेक्शन खत्म हो गया? इन सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर क्राइमिया ब्रिज का सामरिक महत्व क्या है, जिस पर ज़ेलेंस्की के अटैक अब बेहद आम हो चुके हैं। क्राइमिया 2014 से पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था। 2014 में पुतिन ने क्राइमिया पर हमला कर दिया। पुतिन ने क्राइमिया को जीतकर यूक्रेन से अलग कर दिया। क्राइमिया को रूस की मुख्य भूमि से जोड़ना पुतिन का टारगेट है और इसके लिए पुतिन को खेरसोन का पूरा इलाका चाहिए। खेरसोन भी पहले मूल रूप से यूक्रेन का ही इलाका है, लेकिन अब खेरसोन के एक हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा है और खेरसोन के दूसरे हिस्से पर रूस का कब्जा है। लेकिन जब तक पूरे खेरसोन पर पुतिन का कब्जा नहीं हो जाता, तब तक क्राइमिया और रूस की मुख्य भूमि को जोड़ने का एक ही तरीका है, समंदर पर बने हुए ब्रिज। ऐसे में तीन मुख्य ब्रिज हैं, एंटोनिव्स्की, क्राइमिया ब्रिज और चोनहार ब्रिज। इन ब्रिजों को तोड़ने के लिए ही ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा हमला क्राइमिया के ब्रिज पर किया है। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की ने अपनी स्ट्रेटजी को बदल दिया है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने अपने कमांडर्स की एक मीटिंग बुलाई थी और इस बात पर चर्चा की थी कि आखिर यूक्रेन के पास पैट्रियट जैसा विश्व प्रसिद्ध एयर डिफेंस सिस्टम होने के बाद भी लगातार यूक्रेन और खासकर कीव पर ड्रोन और मिसाइल के हमले कैसे सफल हो जा रहे हैं। इस पर ज़ेलेंस्की के कमांडर्स ने पुतिन की उस रणनीति का खुलासा किया जो इस वक्त पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। दरअसल ईरानी ड्रोन्स का उपयोग करके रूस की आर्मी ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम को पहले ही जाम कर देती है। पुतिन मिसाइल हमला करवाने से पहले ड्रोन्स के अटैक करवाते हैं। इन ड्रोन अटैक की वजह से रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को रोकने में ही इंगेज हो गए और यही वजह है कि ड्रोन के बाद में आने वाली रूस की मिसाइलों को यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाते हैं। जब ज़ेलेंस्की को पुतिन की इस रणनीति का पता चला तो उन्होंने भी पुतिन की ही रणनीति का इस्तेमाल करके क्राइमिया पर अटैक करने के लिए अपने कमांडर्स को निर्देशित किया, जिसके बाद 12 अगस्त यानी शनिवार को ज़ेलेंस्की ने पुतिन की ही रणनीति की तर्ज पर एक साथ 20 ड्रोन और 2 मिसाइलों से क्राइमिया के ब्रिज पर ही हमला किया। क्या हुआ इस हमले का रिजल्ट? क्या हुआ इस हमले के बाद? क्या क्राइमिया का ब्रिज ढह गया? ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए आखिर क्यों S-200 मिसाइल को मॉन्स्टर मिसाइल कहा जाता है? आखिर क्या है ज़ेलेंस्की की ये दैत्य मिसाइल?
इस मिसाइल को दैत्य मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मिसाइल काफी ज्यादा ताकतवर है। इस मिसाइल का वजन भी काफी ज्यादा है और इस मिसाइल पर वॉर हेड यानी बारूद भी भारी मात्रा में ले जाया जा सकता है। इस मॉन्स्टर मिसाइल का वजन 7,100 किलोग्राम है। इस मिसाइल की लंबाई 35.4 फीट है। इस मिसाइल पर 217 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ये मिसाइल आसमान में जमीन से ऊपर 4 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर जा सकती है और इसकी स्पीड मैक 4 है, यानी ये 1 घंटे में 4800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल 1 मिनट में 80 किलोमीटर तय करती है, यानी हर सेकंड ये मिसाइल 1 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी तय कर सकती है। S-200 सोवियत संघ के जमाने की मिसाइल है, यानी जब अखंड रूस था और यूक्रेन और रूस एक साथ थे, उस वक्त सोवियत संघ ने इस मिसाइल सिस्टम का निर्माण किया था। लेकिन बाद में रूस के टुकड़े होने के बाद ये मिसाइल भी यूक्रेन की सरकार के हिस्से में आई थी। 1985 में लीबिया में एक युद्ध हुआ था, उस वक्त सोवियत संघ ने लीबिया को ये मिसाइलें सप्लाई कर दी थी। तब लीबिया की सरकार ने कई यूएस बॉम्बर्स यानी अमेरिका के बम वर्षक विमानों पर इस मिसाइल को फायर कर दिया था। 1983 में सीरिया की सरकार ने भी रूस से ये मॉन्स्टर मिसाइलें आयात की थी। ऐसे दर्जनों देश हैं जो सोवियत यूनियन की इस मिसाइल को इस्तेमाल कर चुके हैं। बुल्गारिया, ईरान, कजाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, पोलैंड, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, अल्जीरिया, अजरबैजान, बेलारूस, चेकोस्लोवाकिया, क्रेच रिपब्लिक, जर्मनी, हंगरी, भारत, लीबिया, मंगोलिया, मोल्दोवा, म्यांमार और उज्बेकिस्तान। इन देशों ने कभी ना कभी इस मॉन्स्टर मिसाइल का उपयोग जरूर किया है और यूक्रेन ने भी यही रणनीति बनाकर 20 ड्रोन्स के साथ एक साथ 2 मॉन्स्टर मिसाइलों के हमले क्राइमिया के ब्रिज पर किए थे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान दिया है कि 12 अगस्त को मॉस्को के समय के मुताबिक दोपहर करीब 1 बजे यूक्रेन की सरकार ने S-200 सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल से क्राइमिया के पुल पर एक आतंकवादी हमले का प्रयास किया। यूक्रेन की मिसाइल का तुरंत पता लगा लिया गया और रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे हवा में ही रोक दिया। इस घटना में कोई नुकसान या हताहत नहीं हुआ। क्राइमिया के एयर डिफेंस में मिसाइल सिस्टम के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक जैमर भी लगाए गए थे। अब जरा पूरा हिसाब किताब समझ लीजिए। यूक्रेन ने 20 ड्रोन से हमले किए, 14 ड्रोन तो रूस की मिसाइलों ने मार गिराए और 6 ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक जैमर की मदद से मार गिराए गए और इस तरह क्राइमिया का ब्रिज बचाने में पुतिन कामयाब हो गए। लेकिन ज़ेलेंस्की इस घटना से काफी ज्यादा विचलित नजर आ रहे हैं क्योंकि क्राइमिया पर अटैक का उनका ये प्लान इस बार फेल हो गया। हालांकि वो अपने साथियों का धन्यवाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। На підтримку України і нормального життя. Сьогодні я хочу особливо подякувати кільком країнам, які цього тижня зробили нові кроки для більшої безпеки, більшого захисту наших людей. Передусім Німеччині 2 додаткові пускові установки Петріотів. Це дуже вагомо. Дякую. Дякую Німеччина, дякую людям, дякую тобі, Олаф. Кожне суттєве посилення нашої ППО – це लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों बार बार ज़ेलेंस्की क्राइमिया के ब्रिज पर ही हमला कर रहे हैं। दरअसल खेरसोन के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा है वहां पर रूस के सैनिकों का बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। खेरसोन पर कब्जा बरकरार रखने के लिए अब तक पुतिन की आर्मी 50 से ज्यादा बार खेरसोन और उससे सटे इलाके पर हमले कर चुकी है। इस वक्त खेरसोन के अंदर यूक्रेन की आर्मी की 59वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड जंग लड़ रही है और इसी खेरसोन में रूस की आर्मी की 58 कॉम्बाइंड आर्मी, 48 गार्ड मोटर राइफल डिवीजन, 22वीं आर्मी कॉर, 126 कोस्टल डिफेंस ब्रिगेड, रशियन एयरबोर्न फोर्स और 7वीं गार्ड्स माउंटेन एयर असॉल्ट डिवीजन मौजूद है। पुतिन ने हजारों की संख्या में रूस के जवानों को खेरसोन के इलाकों में बिछा दिया है और इन सारे जवानों को हर दिन जिंदा रहने के लिए हजारों टन खाद्य सामग्री, इसके अलावा लड़ने के लिए गोला बारूद की जरूरत होती है। खेरसोन के इलाकों में हमला करने के लिए पुतिन ने क्राइमिया को मिलिट्री बेस की तरह इस्तेमाल किया है, यानी क्राइमिया में ही लड़ाई का बड़ा गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है। इसके अलावा यहीं पर रूस ने बड़े पैमाने पर खाने के भंडार भी रखे हैं। ऐसे में ज़ेलेंस्की का टारगेट बिल्कुल क्लियर है। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि क्राइमिया और यूक्रेन के बीच में मौजूद समंदर में ही रूस को डुबा दिया जाए।
इसीलिए वो यूक्रेन के खेरसोन में रूस के सैनिकों का दाना पानी बंद करने के लिए क्राइमिया और खेरसोन को जोड़ने वाले ब्रिज को ही तोड़ देना चाहते हैं। कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अगर ये ब्रिज टूट जाए तो रूस की सेना को खेरसोन पहुंचने के लिए 150 किलोमीटर ज्यादा सफर तय करना होगा। और बड़ी बात यह है कि ये 150 किलोमीटर की सड़क एक ग्रामीण सड़क है जो काफी संकरी है। रूस को ज्यादा परेशानी तब हो सकती है जब क्राइमिया को रूस से जोड़ने वाले तीनों मुख्य ब्रिज एक साथ तोड़ दिए जाएं। पुतिन के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह हमला स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया है जो ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाई है। जब से ब्रिटेन की ये मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के जखीरे में शामिल हुई है रूस के लिए हालात खराब हुए हैं। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रणनीति बदलते हुए S-200 मिसाइल से क्राइमिया के ब्रिज पर हमला किया है। तो सवाल ये भी है कि क्या ज़ेलेंस्की की आर्मी के गोदाम में ब्रिटेन से मिला स्टॉर्म शैडो मिसाइलों का जखीरा खत्म हो गया है। और जाहिर सी बात है जब ज़ेलेंस्की के हथियारों का जखीरा खत्म हो जाएगा तो उनको सबसे पहली चिंता अपने मेडिकल स्टाफ की ही होगी जो कि घायलों की मदद के लिए ही काफी ज्यादा अहम होता है। Цього тижня наші прикордонники отримали мобільні комплекси медичної підтримки від Нідерландів. Нідерланди взагалі серед лідерів в оборонній співпраці з Україною, в політичній взаємодії, реально захищають життя, гуманітарний вимір і теж змістовний. Я дякую за це людям Нідерландів. Дякую всім, Марк. Дякую тобі. Є готовність Азербайджану надати новий пакет гуманітарної підтримки, зокрема, обладнання для розмінування. Це теж один з ключових напрямків нашої роботи з партнерами. कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की फिल्म में काम कर चुके हैं, बड़े अभिनेता रह चुके हैं, लेकिन युद्ध कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है। युद्ध में फिल्म के नायक की तरह डायलॉग डिलीवरी से जनता को बहलाया फुसलाया तो जा सकता है, लेकिन जंग का परिणाम पुतिन जैसे फौलादी नेता ही तय करते आए हैं जो पहले मिसाइलों की मूसलाधार बारिश करवाते हैं और फिर बयान जारी करते हैं।